हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई अपनी छोटी सी बहुत ही प्यारी वीडियो। और ये मेरे गोपाल जी हो चुके हैं रेडी, और यहाँ मैं इनको फटाफट फटाफट रेडी कर दूँगी, क्योंकि अब मॉर्निंग में इनको नाश्ता वगैरह करा के, लंच वगैरह करा के, फिर ये अपने फ्री से बैठ आराम से बैठेंगे। तो फटाफट देखिए मेरे गोपाल जी का न्यू लुक। और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ते बनाई हैं, भिंडी नाश्ता किया, मैंने उनको टिफिन भी दिया है, स्कूल गए हैं तो मैंने भिंडी बनाई थी। और देखिए ये ना, उसमें से भिंडी में से हरी मिर्च वगैरह डाल देते हैं थोड़ा, तो उनको बिल्कुल ना बीन बीन करके निकलवा देती है। छोटे से भी जरा से भी डाल नहीं सकते, पर यह है कि बच्चे हैं नहीं खाते, पर हमें भी थोड़ा बहुत कभी कभी खिलाना चाहिए। तो भिंडी में बस आज काट दी थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्ची, तो अब वो उसने फटाफट निकलवा के, मम्मा ऐसे नहीं कि खाई नहीं जाएगी, और बिल्कुल भी नहीं खाते मिर्ची वो ऐसे ही। तो मैंने उनको निकाल करके साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, क्योंकि एक बेटी भिंडी खाती है, एक बेटू नहीं खाती। और मैं भिंडी नहीं खाती, स्किप ही करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सेहत है। मुझे क्या, ये जिसको दिक्कत होती होगी उनको सभी को ही, जिनको एसिडिक वगैरह प्रॉब्लम होती है उन सबको सेहत है, तो भिंडी वगैरह इसलिए मैं कम खाते हैं। तो बस हस्बैंड और बेटी ही खाती है। तो देखिए भिंडी हो गई है, रेड दही हो गया साथ में, और रोटी है, मज़े से खिला दूँगी। और हम लोग बनाएंगे अपने पराठे, मैं और बेटी पराठे क्या रोटियां मतलब भर के बना लेते हैं, तो फिर चाय या दूध के साथ दही के साथ ले लेते हैं, बढ़िया टेस्टी लगती है। तो शिवू के लिए बना दूँगी मैं पराठा, आज गई नहीं है तो कनू गई है। और देखिए यहाँ मेरा आ चुका है कैसा मटेरियल जिसे मैं तैयार कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, आप पता ना क्या मैं बना रही हूँ, देखती हूँ कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वीडियो मैंने वो जो रेसिपी वो मतलब रेसिपी तो डाली है लेकिन पूरी नहीं, और डिश भी मैंने शो नहीं की लास्ट में, बस बना के रख दी थी। देखूँ मैं बना के कि कैसा बनती है, तो आप बताना मैं बना क्या रही हूँ। ये मैंने आटा पहले थोड़ा सा शुगर लिया, उसको पीस लिया था मैंने चीनी को ही, और उसमें थोड़ा सा डाला है मैंने घी, थोड़ा नहीं मैंने ज़्यादा डाल दिया घी, और उसमें फिर मैं डालूँगी आटा, और इसको मिक्स करके थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह इसको बना करके इसका अच्छा सा डो बना लूँगी रोटी की तरह। और ये देखिए मेरा ना इसमें घी ज़्यादा डल गया। तो कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसे होता है, या तो अच्छा होगा या ख़राब होगा, तो देखते हैं हमारा कैसे होता है। तो मैं इसे बिल्कुल फाइन अच्छा सा एक बना लूँगी इसका, और उसके बाद घी और शुगर को आपस में मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। ये देखिए, तो जो वीडियो पूरी देखेगा ना वो बता देगा कि मैंने क्या बनाया, क्योंकि मैं बीच में बोलूँगी ज़रूर कि मैंने क्या बनाया है। और ये देखिए खूब बढ़िया सा बन गया है इसका डो, और जैसे रोटी का बनता है ना इस तरह से, मैंने थोड़ा सा इसमें फिर दूध भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए मैं इसे दो तीन तरह के शेप दूँगी, राउंड में भी दूँगी और स्क्वायर में भी दूँगी, तो ये बहुत ही बढ़िया इसके बने हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हल्का सा अजवाइन भी डाला है, थोड़ा सा इसमें नमक भी डाला है, और एक आधी आधी चम्मच के लगभग मैंने बेकिंग पाउडर डाला है इसमें, और बहुत ही अच्छे बने थे। तो कोई मैं सिर्फ अपनी बना रही थी, इसलिए मैंने कोई स्पेशल रेसिपी लोगों के आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आप कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने इसको बारीक बारीक मैंने इसको एक लेयर बना ली है, और बहुत ही टेस्टी बने। थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं मैंने, लेकिन वाकई बने बहुत अच्छे। आप चाहो तो उसको आप राउंड शेप भी दे सकते हो, आप ट्रायंगल में भी दे सकते हो, आप जिस चाहे वैसे। तो ये बन रहे हैं मेरे बिस्किट आटे के, और बहुत ही टेस्टी, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन बने अच्छे हैं। तो इतना सामान डलेगा तो बनेंगे तो अच्छे। तो ये थोड़ा सा बारीक हो गया था, मैंने उसको सही करा है, और ये देखिए मैंने बना लिए इसको शेप में बहुत बढ़िया। और इनको ना बिल्कुल प्री हीट कंडीशन में ही इसको मैं कढ़ाई में रखूँगी। तो एक मैंने थोड़ा सा ये देखिए कढ़ाई मैंने पहले से ही गर्म कर ली है, और यहाँ पर मैं फिर बना रही थी कढ़ी, क्योंकि मुझे उसके बाद अपना दूसरा दिखाना था। और मैंने कहा ना मैंने आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन आप कहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी और बनाऊंगी भी, और बताऊंगी भी आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी, फटाफट फटाफट मैं डाल दूंगी इसमें छोंक, यानी कि मेथी और कड़ी पत्ते का छोंक। मैं ज़्यादा इसमें तड़का इतना नहीं लगाती हूँ, और ये काफ़ी टाइम बाद बन रही है मेरी। वैसे कहते हैं सावन में ना कढ़ी नहीं खानी चाहिए तो गधे बनते हैं, लेकिन इसका जो पर्पज़ है ना वो ये नहीं है कि सावन में कढ़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। दरअसल सावन में कढ़ी इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि सावन ना बरसात का मौसम होता है, और जैसे मट्ठा और दही को मना करते हैं तो इस सीज़न में, तो इसी वजह से सिर्फ कढ़ी को भी मना किया जाता है। ऐसे कुछ नहीं होता कि सावन में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। तो मैं तो देखो बनाई है मैंने, कितने दिन रुक लूँगी, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, लेकिन मैंने बनाई है। ज़्यादा इसमें मैंने छौंक वगैरह इतना ऑनियन वगैरह का नहीं यूज़ करती, क्योंकि सावन की वजह जब हम व्रत रखते हैं तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो लहसुन प्याज का वगैरह का मैं इसमें नहीं छौंक लूँगी बिल्कुल भी नहीं, मेरा सावन सावन बंद रहेंगे।
तो अब की बार तो वैसे भी देखो कितना कठिन है, क्योंकि 2 महीने हैं पूरे, तो 2 महीने तक इन चीज़ों को छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने बस छोटी सी ना बहुत पतली पतली सी लाल मिर्च थी और बहुत ही टेस्टी थी, मैं सिर्फ अपने लिए और हस्बैंड के लिए डाली है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, बच्चे तो हरी नहीं खाते, तो इसे क्या खाएंगे सब्जी में डली हुई भी, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये है कि हम लोग खा लेते हैं, टेस्ट आता है एक अच्छा। तो बस ऐसे ही छोंक दिया मैंने बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन बनती बहुत है अच्छी। और पकौड़ी ना मैं इसमें ऐसे राउंड राउंड वाली नहीं बनाऊंगी, इसमें थोड़ी फ्लैट वाली बनाऊंगी, जो पतली पतली बनती है ना कचरी टाइप से, तो एकदम कढ़ी में ना बिल्कुल बढ़िया बन जाती है, और मिक्स होके ना कढ़ी भी थोड़ी सी टाइट भी हो जाती है, एक टेस्टी भी लगती है। और ऐसे भी नहीं है कि मतलब बच्चे नक नक आए कि नहीं हमें नहीं खानी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पकौड़ी नहीं खाए, और बस सबको सोच के बनानी पड़ती हैं चीज़ें। तो मैंने बारीक बारीक ही कढ़ी में पकौड़ी बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी, आइए आप भी खाइए। और अभी तो मैं कह ही रही हूँ कि देखिए सब बना रही हूँ तो खाने के लिए ही बना रही हूँ, तो आप लोगों को भी जब देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी ज़रूर कि आइए बनाइए खाइए। और यह मैं शाम का खाना बना रही थी, फटाफट मैं अपना रोटी सब्जी वगैरह सब तैयार हो गया। देखो मेरे ना अब किचन में ना बस यही घूमती रहती हैं सारे में, ये माचिस की तीली वगैरह, तो ये ना मेरा लाइटर ख़राब हो गया, कई दिन से कह रही थी हस्बैंड से कि ले आओ, और वो भूल जाते हैं। तो फटाफट मैं सब्जी रोटी लगा दूँगी सबके लिए, तो अब कढ़ी भी है, थोड़ी सब्जी बनाई है, तो अपने चल जाएगा उससे, क्योंकि मॉर्निंग में वो भी रखी थी, सब्जियाँ कई बची रखी थी मेरी, एक दिन पहले की करेले भी रखी हैं, तो मुझे तो करेले के आगे कुछ और चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो कढ़ी भी मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि खा भी लूँगी अच्छी बहुत लगती है, लेकिन दिक्कत दे जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा उसको भी। पता नहीं क्या क्या छोड़े लाइफ में, बस टेस्ट का अब कुछ रहा नहीं, मेरे साथ तो बहुत लोचा है चीज़ों को खाना नहीं खाना, पर ये है कि बनाना पड़ता है बच्चों के लिए सबके लिए, हम अपनी खुशी के लिए औरों का थोड़ी नहीं हम सब वो करेंगे टेस्ट ख़राब करेंगे। तो बस आज की मेरी वीडियो यही है, और थोड़ा तबीयत के हिसाब से ही मैं काम कर रही हूँ, पर ये है कि आप सबकी दुआएं हैं तो मैं जल्दी सही भी हो जाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का एंड करती हूँ इसी के साथ, और अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी, राधे राधे। और मिलते हैं, और देखते रहिए, लाइक बटन दबा करके जाइएगा, और कमेंट भी मैं वेट करूँगी।